देवी चौखट पर चल के आज प्रभु श्री राम आए हैं। लोगों के अंदर ये जो भावना है, ये जो भजन है, इन दिनों हर किसी के घर में और हर किसी के मन में बज रहा है। और तारीख 22 जनवरी की इंतजार उन राम भक्तों की है कि कब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में उस जगह पर स्थापित होंगे रामलला, जहां पर पिछले 500 सालों से देश भर के करोड़ों राम भक्त इंतजार कर रहे हैं। और वो इंतजार की घड़ी जैसे जैसे कम होती चली जा रही है, उत्सुकता राम भक्तों में और भी बढ़ती जा रही है। सभी कोई अपने तरफ से राम भक्त के स्वागत के लिए आतुर हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ अयोध्या दुल्हन की तरह सजा दी गई है, लगातार वहां पर तैयारियां चली है, तो वहीं मुंबई में भी तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि जो लोग अयोध्या 22 जनवरी को ना पहुंच पाए, वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाके के मंदिरों में जाए और दीपावली की तरह खुशियां मनाए। और उसी की तैयारी होते हुए हमें इस समय मुंबई के दक्षिण मध्य मुंबई में दिखाई दे रही है, जहां पर दिए लाखों की संख्या में तैयार किए जा रहे हैं। ये वो दिए हैं जो मुंबई के अलग अलग मंदिर, करीबन बताया जा रहा है कि 200 से भी ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जहां पर तैयारियां जोरों पे चल रही हैं, उन्हें देव दीपावली के तौर पर दीपों से सजाया जाएगा और एक अलग तरीके से एक नई दिवाली फिर से मनाई जाएगी 22 जनवरी 2024 को। और उसकी तस्वीरें आप इस समय कैमरे में देख रहे हैं। 5 लाख के करीब जो टारगेट रखा गया है बीजेपी की तरफ से मंदिरों में दिए देने को लेकर, उसकी तैयारियां आप जोरों पर देख रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से लगातार इसी तरीके से छोटे छोटे बॉक्सेस में अलग अलग इलाकों के लिए रेखांकित करके मंदिरों में इन दियों को भेजा जा रहा है। 5-5 जो दिए हैं उनके सेट बनाए जा रहे हैं और आप देखें उसके ऊपर जो स्टिकर लिखा हुआ है, 22 जनवरी दिवाली मनाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं, ये मैसेज देते हुए ये स्टिकर्स इन 5 के जो दिए हैं उनके सेट्स बनाए जा रहे हैं। और जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग जगहों पर जो लगकर इस सेट बना रहे हैं, कुम्हारों के जरिए जो ये दिए डिज़ाइन करके बनाए गए हैं, बेहद ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन भी अगर हम आपको दिखाना चाहें तो देखें कितनी अच्छी इस पर कारीगरी कुम्हारों के जरिए की गई है। दिया में उकेरा गया है प्रभु श्री राम को, इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। और इसी तरीके के 5-5 के ये जो सेट हैं वो बनाए जा रहे हैं, बाकायदे लैमिनेट करके रखा जा रहा है और यही इस तरीके से दियों को स्टिकर लगा के अलग अलग इलाकों में दिया जाएगा। जोर शोर से काम चल रहा है। आप देखिए राम भक्त जो यहाँ पर बने हुए बीजेपी के कार्यकर्ता कहें या कार सेवक कहें, जिन्होंने 1990-1992 की कार सेवा में हिस्सा भी लिया था, ऐसे राम भक्त भी आपको दिखाई देंगे। श्री राम का गमछा लिए हुए साथ में बैठे हुए हैं। जोरों शोरों से काम दिन रात चल रहा है, क्योंकि जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है और जब बात मुंबई की होती है तो उस पर सभी की निगाहें होती हैं। हमारे साथ राजेश शिरवाडकर जी हैं जो जिला अध्यक्ष हैं मुंबई सेंट्रल बीजेपी के, उनसे बात करते हैं। दक्षिण मध्य मुंबई, राजेश जी, भावना लोगों की बहुत ज़्यादा इस समय उफान पर है। हर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी न किसी एक गायक की, एक सिंगर की जो है वीडियोस ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप लोगों के अंदर की भी भावना हम देख सकते हैं। 5 लाख का जो टारगेट है बहुत बड़ा है, दिन रात काम चल रहा है, किस तरीके की भावना है? पहले तो सियावर रामचंद्र की जय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने ये प्रण किया है 22 जनवरी को पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में लोग मंदिर दिया दीपावली मनाने वाले हैं और भारत में खास करके हम लोग घर घर जा रहे हैं, 1 लाख घरों तक पहुंचने का मध्य दक्षिण जिला में हमारा टारगेट है। हमारी छोटी छोटी टोलियां है, रोज़ शाम को जाती है, हम लोग दिनभर में पैकिंग करके वो देते हैं और एक हर घर में ये दिए जा रहे हैं। हमारी ये भावना है, यानी मंदिरों के अलावा लोगों के घरों को भी आप जो है ले जाने के लिए बांटेंगे अपने इलाके। जो अयोध्या से अक्षता आई है और एक पत्र, छोटे पत्र आए हैं अयोध्या के बारे में, उसके साथ में हम लोग ये दिए भी दे रहे हैं और लोगों का उत्साह इतना है, जब हम लोग सियावर रामचंद्र जी बोलते हैं तो छोटा बड़ा सब लोग जय के नारे जोर से लगाते हैं और वो आश्वस्त करते हैं कि इस बार 2024 में 22 जनवरी को फिर से दिवाली मनाएंगे और ये संकल्प है छोटा सा हमारा। और प्रभु रामचंद्र जी के क्या कहने, उनके लिए तो 5 लाख की संख्या कुछ नहीं है, हम चाहें तो उनका अगर आशीर्वाद रहे तो 500 करोड़ भी हम लोग दिया जलाएंगे आने वाले समय में। और ये राम राज्य की शुरुआत है, देखिए आगे होता है क्या। अच्छा, लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल की बात प्रधानमंत्री करते हैं, तो क्या उसकी भी कोशिश आप लोगों के द्वारा की गई है? ये तो ये तैयार किए गए हैं, ये किस तरीके से तैयार किए, इसके बारे में? जी जरूर, हमारे जिला में घर में कुम्हारवाड़ा और
पूरे भारत में मेरे ख्याल से भाइयों कुमार वाले से बहुत से अच्छे हुए और पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में जाते हैं। और जब ये संकल्पना हम लोगों ने वहाँ के कारागिर को बताई, हमारे कुंभार वाले के भाइयों को बताया जी, तो नाम मात्र शुल्क में उन्होंने कहा हमारा भी योगदान उसमें रहेगा और नाम मात्र शुल्क में, नो प्रॉफिट नो लॉस में उन्होंने ये दिए, हमें दिए हैं जी। वहाँ पे उनके यहाँ पे ऐसे 5 के पैकिंग रोज हो रही है और सुबह ला के देते हैं, हम लोग दिन भर में उसमें स्टिकर लगाते हैं, शाम को बांटे जाते हैं दिए। तो ये ऐसा प्रभु रामचंद्र जी का अपने आप चलने वाला निरंतर कार्य, सबका हाथ लगा है, सबका साथ है और विकास तो देश का होगा ये श्री राम जी के आशीर्वाद से। दक्षिण मध्य मुंबई में काफी संख्या में मुसलमान भी रहते हैं, तो क्या उनके घरों में भी आप लोग जाएंगे, क्योंकि इस समय कहा जा रहा है कि उनके अंदर भी भावना है मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के मन में भी राममय हो गई है, कई लोग उसका भी जो है 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के भी घर में जाएंगे, उनको भी निमंत्रण देंगे अक्षत में आगे में? और जरूर, हमारे कार्यकर्ता भी मुस्लिम कार्यकर्ता है, ये दिए पहुँचाने का काम वही कर रहे हैं, दिए जगह यहाँ पर लगाने का, गोडाउन में रखने का काम कर रहे हैं। यंग कार्यकर्ता हमारे जितने भी साथी हैं अभी वो आएंगे, वो पैकिंग वो करेंगे, शाम को लेने के लिए जो लोग आते हैं उनको देने का काम वो करते हैं, अकाउंटेबिलिटी उनके पास रहती है जी। तो सबके साथ सबका विकास है भैया, और राम जी को सबके सबके है, पूरे विश्व के है जी, सभी जाति धर्म पंथ के है, और हम सब मिलकर प्रभु रामचंद्र जी की 22 तारीख को निश्चित रूप से धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, एक साथ मनाएंगे। तो देखिए ये भावना है, राम राज्य की वापसी हो रही है, ऐसी बातें कही जा रही है। सर क्या कहेंगे, आप भी श्री राम का जो है गमछा लगाए हुए हैं, लिए हुए हैं साथ में, आप भी काम कर रहे हैं, किस तरीके की भावना है आपकी, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? 500 वर्षों के बाद प्रभु राम जी का पुनर्वसन जो हो रहा है, प्रभु मोदी जी ने कहा था कि 2022 में सभी लोगों को घर मिलेगा, प्रभु राम जी का भी पुनर्वसन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और सभी लोग, आपने मेरे बड़े भाई राजेश जी से एक प्रश्न किया था कि मुसलमानों का क्या सहयोग है, प्रभु राम को जो वस्त्र धारण करने वाले हैं, वो सिल्ले का जो काम करने वाले हैं, वो एक मुस्लिम टेलर हैं मोहम्मद भाई करके, जो अयोध्या के हैं, जो वहाँ के स्थानिक हैं, उनके द्वारा ही वो कपड़ा सिल के किया जाएगा। इसमें सभी समाज में एक बहुत ही उत्साह का कार्यक्रम है, प्रभु राम जी के बारे में क्या कहें, कहने के लिए तो मन भराता है। धन्यवाद। 500 सालों का लंबा जो इंतजार था वो अब पूरा होता जा रहा है, दिख रहा है आंखों के सामने, तो कहीं ना कहीं मन भावुक हो जाता है एकदम। हमारे दादा परदादा इतनी पीढ़ियाँ इस चीज़ के लिए संघर्ष करते करते रह गए और चले गए, उसी के हमको खुद को भी नहीं लगा था कि हमारे सामने ये बने, बराबर। तो खुश किस्मत अपने आप को समझते हैं, रामलला को स्थापित होते हैं, इतिहास जी। तो देखिए इतिहास लिखा जाएगा, वो ऐतिहासिक पल का सभी इंतजार कर रहे हैं, कम उम्र के युवा भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बात कर ले रहे हैं, उनकी क्या भावना है, क्या कहना चाहेंगे। इतिहास लंबे संघर्ष का है, कोर्ट की कचहरियों पे भी कई सारे सालों तक भगवान राम ने न्याय के लिए इंतजार किया है, न्याय मिलने के बाद अब मंदिर तैयार हो गया है, अपना सहयोग अपने तरीके से आप दे रहे हैं, क्या भावना है आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे सहयोग दे पा रहे हैं, हम बहुत नसीबवान हैं कि राम मंदिर के लिए हम इतना समय दे पा रहे हैं, तो हमें भी गर्व की बात होगी। अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं लेकिन योगदान अपने तरीके से दे रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है हमें, ये कार्य में गर्व का एहसास हो रहा है इस समय, भावनाएं क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के मन में आतुर हो रही है, भोपाल एक तरह से अलग तरीके का उमंग देखने को मिल रहा है। कुछ महिला जो है यहाँ पर बैठी हुई है, उनसे भी बात करते हैं, महिला कार्यकर्ता नेता भी है बीजेपी के, उनसे भी बात करते हैं। ताई क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके की भावना है आप इधर 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 सहयोग देने के लिए? मैडम साल के बाद, इंतजार के बाद हमारा ये श्री राम प्रभु का मंदिर बन रहा है, हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था है श्री राम प्रभु, और उनका ही मंदिर बनने जा रहा है, और उस क्षण उस पल के उस क्षण के हम एक साक्षीदार बन रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। भावनाएं आप सुन पा रहे हैं कि इस तरीके की, अपने आप को सौभाग्यशाली लोग मान रहे हैं कि भगवान राम के आगमन को लेकर जो भावना है वो देखने को मिल रही है, और उनके स्वागत का इंतजार हो रहा है कि पल पल, एक साल एक पल साल के बराबर बीत रहा है, सभी उस सुनहरी घड़ी 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए खुद नरेंद्र मोदी जाएंगे और पूरा देश दिवाली फिर से मनाएगा, और उसकी तैयारियां इस समय मुंबई में यहाँ पर जोरों शोरों से दिखाई दे रही है। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।